आ, लेकिन आपकी पहली फिल्म कौन सी थी तो मैं कहता हूँ कच्चे था अरे क्या बात कर रहे हो वो आपकी फिल्म थी वो तो हम हर महीने देखते हैं वो जब भी टीवी पे आती है हम देखते हैं जब भी सैटेलाइट पे आती है हम देखते हैं तो रिकॉल बहुत स्ट्रांग है और फिल्म मेकर के लिए वही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि वक्त के गुजरने के बाद भी अगर फिल्म आपको टाइमलेस लगती है जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए शोले टाइमलेस है या चुपके चुपके टाइमलेस है या मुकद्दर का सिकंदर टाइमलेस है या नाम टाइमलेस है तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है फिल्म मेकर को राइटर्स को प्रोड्यूसर्स को एक्टर्स को सबको तो कच्चे धागे अगर मूवी की बात करें तो इसमें थ्रिलर है एक्शन है इमोशंस है सब कुछ भरपूर है सबको आपने एकदम मेंटल बैलेंस करके ये मूवी बनाया तो इट इज नॉट इजी टास्क सब करके मूवी बनाना तो जब आप बना रहे थे तब क्या सोचते थे कि कैसे जाएगा मैं ऐसा ऐसा इसमें डालूं आ, एक बार भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो कभी किसी के घर पे खाना अच्छा लगता है कभी किसी का फर्नीचर अच्छा लगता है कभी कोई एसी बहुत सही टेम्परेचर पर रखता है किसी की वाइन अच्छी होती है किसी का मीठा अच्छा होता है इससे तुम्हारी फिल्मों में तो सब कुछ डाल देते हो तुम तो। उसमें वाइन भी है समोसे भी हैं मिठाई भी है दाल सब सब्जी है फर्नीचर सही है कारपेट अच्छा है पेंट भी अच्छा है फूल भी बहुत अच्छे सजाए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फिल्मों में बहुत कुछ आए बहुत कुछ आए क्योंकि मैं पतली कहानियों से या एक वन डायमेंशनल स्टोरी से थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो इसलिए थोड़ा एक्टरों से भी भर भर जाती है फिल्में और जो जैसे आपने कहा कि जो जो सारे एलिमेंट्स हैं सिनेमा के फिल्म uh, मेकिंग uh, के जैसे कहानी डायलॉग एक्शन रोमांस म्यूज़िक आई ट्राई टू प्ले विद दीज एलिमेंट्स एज मच एज़ पॉसिबल वक्त थोड़ा लग जाता है उसमें लेकिन वो वक्त ज़ाया नहीं होता uh, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हर छः महीने में एक फिल्म बनाऊँ या मैं एक साथ में चार फिल्में बनाऊँ या मैं uh, एक फिल्म ख़त्म करके अगले दिन दूसरी फिल्म की शूटिंग पर चले जाऊँ मुझे अच्छा लगता है ये सारा कुछ बटोरने में और फिर इसको परोसने में क्योंकि मैं हमेशा ये मैंने हमेशा ये माना है आज खास कर ख़ास करके आज की दौर में कि पब्लिक जो है वो ऑडियंस जो है वो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट चाहती है वो हर दौर से गुजरी है उसने अमिताभ बच्चन की फ़िल्में देखी हैं जिसमें आपको शशि कपूर भी मिलेंगे विनोद खन्ना भी मिलेंगे म्यूज़िक भी बढ़िया होगा हीरोइंस भी बढ़िया होंगी एक्शन होगा कॉमेडी होगी सब है उन्होंने यश चोपड़ा साहब की फिल्में देखी हैं शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं आज टी वी वो इंटरनेशनल कॉन्टेंट देख रहे हैं और तो उनको आपको अगर आपको जीवित रहना है आगे बढ़ना है तो और बेटर उनको आपके लिए उनके लिए आपको एंटरटेनमेंट का पैकेज बनाना पड़ेगा और यही बस यही सोच के हमने ये फ़िल्म बनाई और एक ये था कि एक्शन और म्यूज़िक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादातर कामयाब रहता है आप कोई सी भी फ़िल्म उठा के देखें जो जिसमें ये दोनों जैसे अभी लास्ट ईयर की आप देख लीजिए गदर या पठान देख लीजिए एक्शन और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन जब सही जाके बैठता है और अगर उसमें थोड़ा सा ह्यूमर आ जाए तो इसमें ये सब था

म्यूज़िक एक मैथमेटिकल चीज़ नहीं है म्यूज़िक uh, एक रूहानी चीज़ है uh, मैं हमेशा जब कॉम्पोजिशन्स uh, सुनता हूँ तो मैं uh, दिमाग से नहीं दिल से सुनता हूँ अगर मुझे अंदर जाके कुछ कनेक्शन होता है मुझे लगता है कि ये चीज़ दिल को छू रही है तो वो ट्यून मैं सिलेक्ट करता हूँ लिरिक्स uh, में भी अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर से वाह निकल वाह निकल आए तो वो गाना यूजुअली लोगों तक भी पहुंचता है अगर ऊपरा ऊपरी हो अगर आप सोचें कि नहीं इसमें मुझे एक डांस नंबर डालना है तो डांस नंबर भी बहुत बेहतरीन बने हैं और बहुत कमज़ोर भी बने हैं तो लेकिन जो आपको जो आपको टच करे जो आपकी फ़ितरत के साथ मैच करे अगर आप उसको पिकअप करें तो उसमें इंडिविजुअलिटी भी आती है और वही इंडिविजुअलिटी सुनने वाले तक भी पहुंचती है और उसकी इंडिविजुअलिटी को पता नहीं किस जरिए टच करती है वरना अगर मेरा मेरे पसंद का रोमांटिक गाना आपके पसंद का रोमांटिक गाना कैसे हो सकता है अनलेस अनलेसन मैं उसको उस जरिए से सिलेक्ट करूं जो बिल्कुल ही रूहानी हो का वही मूवी का सॉन्ग नहीं है लेकिन आप जब कच्चे धागे का भी हम सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा हम रिलेट करते हैं कि नहीं इसी मूवी का सॉन्ग है ये सीन के बाद सॉन्ग आया था इसलिए ये सीन पे चल ही रहा है वो सॉन्ग सही ऐसा बात ऐसा कह सकते हैं ना जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आप क्या मोस्टली मूवी हम देखे हैं सबसे ज्यादा उसमें अजय देवगन सर जी हम कहना चाहेंगे कि अजय देवगन को ही आप क्यों करते हैं हमेशा uh, एक uh, मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे फिल्मेकर्स आए हैं मेरे पहले और मेरे साथ जिनका किसी ना किसी एक एक्टर एक 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 के साथ एक कॉम्बिनेशन जम जाता है क्योंकि एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आ, और एक जो जो आपकी फ़ितरत में जो आप फिल्में सोचते हैं जो कैरेक्टर्स आप सोचते हैं उसमें वो पर्टिकुलर एक्टर ज़्यादा फिट होता है जैसे कि कुछ लोगों का अमित जी के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन था कुछ लोगों का शाहरुख के साथ था कुछ लोगों का और औरों के साथ है यहाँ पे आ, कुछ इस तरह से हुआ कि जब से हम मिले मैं असिस्टेंट था और वो हीरो थे लेकिन डे वन से दोस्ती अच्छी अच्छी जम गई आ, जो भी हम बातें करते थे लगता था कि तालमेल है जैसे दो ओपनिंग बैट्समैन अगर क्लिक हो जाए तो एक इशारे की ज़रूरत है रन लेनी है कि नहीं लेनी है या किस तरफ़ मारना है किस किस स्पीड से खेलने हैं तो हमारा जो एक जो दोस्ती का जो जो फाउंडेशन है वो इसी चीज़ पे है कि हम कम कम्युनिकेशन में एक दूसरे को बहुत कुछ कम्युनिकेट कर कर पाते हैं तो वही शायद वजह है और शायद दोनों की पसंद थोड़ी मिलती जुलती हो किस किस्म का ड्रामा आप चाहते हैं किस किस्म का आम, और क्या होता है कि कई बार आ, सेट के बाहर का भी जो एक आ, एक कनेक्शन होता है वो भी अगर अच्छा हो जाए आ, कि किसी को ज़्यादा बातें पसंद हैं किसी को कम बातें पसंद हैं किसी को फ़िल्मों के बारे में बात करना पसंद है किसी को फिल्मों के बारे में बात नहीं करनी है तो वो सारी चीज़ें एक कुदरती चीज़ें हैं जो दो दोस्तों में कॉमन हो जाती हैं जैसे आपकी भी कोई सहेली होगी जिसके साथ एक आपका स्पेशल कनेक्शन होगा तो वैसी ही दोस्ती है और हमेशा जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि बस कल ही मिले थे और आज से काम शुरू करेंगे तो ये चलता रहे बस यही दुआ है इवन आपके जो दोनों का कॉम्बिनेशन लोगों काफी पसंद भी आता है इसलिए जी जी जी, जी 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 डायरेक्टर के लिए लोकेशन चॉइस करना काफी डिफिकल्ट होता है लेकिन आपकी जितनी भी मूवी

2000 किलोमीटर से ऊपर हम घूमे हैं बहत्तर गांवों को हमने छाँटा फिर भी हमको गांव नहीं मिला फिर हम हमारे साथ हमारे आर्ट डायरेक्टर थे बिजवान दास गुप्ता जिन्होंने जो कुणाल कपूर साहब को जानते थे जो एड फिल्में बनाते हैं शशि कपूर साहब के बेटे हैं वो उनको फ़ोन किया उस टाइम पर एक सिया का कैंपेन हुआ करता था टेक्सटाइल कैंपेन वहाँ पता चला कि मंडावा गाँव में ये शूट हुआ है तो वहाँ गए 2000 किलोमीटर से ऊपर रेकी हमने की मेरे एसोसिएट्स आपको बताएंगे कि मैं अगर रेकी करता हूँ तो करीब करीब ग्यारह से बारह घंटे रोड पर रहता हूँ रोज़ अप टू ऑलमोस्ट टेन ट्वेल्व डेज तब जाके लोकेशन फ़ाइनल होते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है उसके बिना तो कुछ नहीं होता लाइफ में तब की बात तो आपको ऐसा कुछ चेंजेस नजर बॉलीवुड में फिल्म में या फिर में। मेरे ख्याल से इस चेंजेस हैं हमेशा हो, होंगे दुनिया बदलती जाएगी नए नए जनरेशन आते जाएंगे मेरे ख्याल से आजकल आज का जो जनरेशन है उन वो आ, जो टेकन फॉर ग्रांटेड काम है उसको आउटराइट रिजेक्ट करता है पहले के जनरेशन में थोड़ा सा एक पेशेंस था कि एटलीस्ट अगर स्टार हमारा फेवरेट है या टाइम पास ही करना है तो जाके देख लो फिल्म चाहे अच्छी हो कम अच्छी हो बुरी हो आजकल बहुत क्लैरिटी है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बना के हमको देंगे तो हम उसको आसमान तक ले जाएंगे लेकिन अगर आप हमको बेवकूफ़ बनाएंगे या आप मेहनत के बिना या बिना सोच के बिना लगन के प्रोडक्ट हमारे पास लाएंगे तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है Mm, मेरे ख्याल से आ, इन दोनों को ही कास्ट करेंगे कैरेक्टर थोड़े बदलेंगे और लेकिन क्योंकि वो जो एनर्जी इन दोनों के साथ आ, आई थी वो शायद किसी और दो कॉम्बिनेशन के साथ ना हो जी जी एक कहानी है जो अभी कंप्लीट हो रही है हम पिछले साल उसका काम हमने शुरू किया और बहुत ही अलग किस्म की फ़िल्म है जैसे कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आ, मैं अपने आप को बदलता रहूँ तो एक नई कहानी आई है आज के जनरेशन के साथ कनेक्ट काफ़ी होगी ऐसा मुझे लगता है उसमें एक्शन है ड्रामा है म्यूज़िक है तो आ, टाइटल भी बहुत अच्छा है मैं बता नहीं सकता आपको आज लेकिन बहुत जल्द आपको पता चलेगा और जी ज़रूर ज़रूर